बर्मिंगम में रहना चाहिए या लंदन में रहना चाहिए, उस साइड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बर्मिंगम की यूनिवर्सिटी है ना, ये मैंने 6 महीने बाद आकर रोटी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं आया हूँ बर्मिंगम अपने कज़न अब्दुलरहमान के पास उर्फ बंटी। तो यार ये मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कज़न है और ये बर्मिंगम तब से रह रहा है जब से मैं यहाँ आया हूँ, उससे एक वीक पहले ये आया। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कंपैरिजन के बारे में कि हमें बर्मिंगम में रहना चाहिए या लंदन में रहना चाहिए। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा और भाई फिर आप पे छोड़ूंगा कि आप कहाँ पे रहना चाहोगे, और कमेंट सेक्शन पे भी मुझे बता देना कि भाई कहाँ रहना आपको चाहिए और क्यों आप रहना चाह रहे हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो लंदन में भाई आपने मेरी और भी वीडियोज़ भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं इस कंपैरिजन में बता देता हूँ कि लंदन में अगर एक बंदा सिंगल रूम लेना चाह रहा है तो वो कम से कम 300 से 400 पाउंड में मिलता है एक बंदे का, और अगर कपल है तो वो तकरीबन 700 पाउंड, क्योंकि मेरे साथ वाला जो बिल्कुल रूम है वो 700 पाउंड पे भाई रेंट पे लगा हुआ है। तो अगर उसमें एक बेबी भी इंक्लूड कर दो तो वो 1000 पे चला जाता है। तो अब बात करते हैं बंटी से कि बर्मिंगम के अंदर क्या रेट्स हैं, अगर आप कपल रहते हैं तो क्या रेट है, अगर आप सिंगल रहते हैं तो क्या रेट है। तो यार बंटी, अगर हम बर्मिंगम के अंदर एक सिंगल बंदा है यानी कि लड़का या लड़की है तो वो एक रूम लेना चाहे तो वो कितने तक मिलेगा? एक रूम आ जाता है आपका 250 पाउंड्स में, इंक्लूडिंग बिल्स वगैरह। ठीक, और अगर कोई कपल आना चाह रहा है तो? कपल का है, कपल के साथ आपको एक किचन होता है, एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम वगैरह, तो आप लगा लो 350-400 पाउंड तक। 350-400 पाउंड में पूरा एक यानी अपार्टमेंट मिल रहा है आपको, मिल जाता है वो जिसमें मैं फर्स्ट डे आया था ना। हाँ, जिसमें फर्स्ट डे आया। हाँ, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था तो मुझे याद है वहाँ पे दो कमरे थे, एक वॉशरूम था और एक ड्राइंग रूम टाइप और किचन मिक्स सब कुछ इकट्ठा ही होता है ना अपार्टमेंट के अंदर। तो वो अगर 400 पाउंड में आपको मिल रहा है तो भाई एक रूम की नस्बत वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लंदन, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक रूम है और शेयर वाशरूम है और शेयर ही किचन करना पड़ता है तो आपको। एक बर्मिंगम का बेनिफिट है कि अकोमोडेशन सस्ती है इधर। हाँ, एक ये बेनिफिट में आ गया कि भाई अकोमोडेशन यहाँ पे सस्ती है। तो यार अब बात करते हैं हम यहाँ पे जॉब्स की। तो पहले मैं बात करता हूँ लंदन की। तो यार लंदन के अंदर मेरे ख्याल में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि यार लंदन में जॉब्स कम हो रही हैं, तो यार ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लंदन में जॉब्स हर टाइम रहती हैं। एनआई पे जॉब्स की कोई कमी नहीं है, मैं इतनी छोटी आपको इजीली दे सकता हूँ, बस आपको ढूंढनी पड़ती है। वो कैसे ढूंढनी पड़ती है वो भाई मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर नहीं देखी तो भाई मैं नीचे लिंक छोड़ दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई बंटी से कि यहाँ पर जॉब्स का क्या सीन है। जॉब अपॉर्चुनिटीज इधर कम है एज़ कम्पेयर टू लंदन। यहाँ मतलब के अगर तो जगह खाली हो, सीट हो, कोई जिस तरह छोड़ रहा है ठीक है तो ही मिलती है जॉब, अदरवाइज नहीं मिलती ठीक है जॉब। तो चेन्नई पे भी इधर मुश्किल ही है ठीक है, आपको बहुत फिरना पड़ता है ठीक है, फिर जाके आपको कहते हैं कि कॉल करेंगे ठीक है, बंदे की ज़रूरत हुई तो बुलाएंगे, इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज इधर कम है ठीक है एज़ कम्पेयर टू लंदन। तो ये एक माइनस पॉइंट कहूँगा मैं, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे इतना नहीं है, मुझे यहाँ पे आके ना थोड़ा पिंड पिंड टाइप मतलब फील हुआ है। क्वाइट है ये बहुत ज़्यादा। हाँ क्वाइट है, यानी कि आपको कि जैसे आप आउटर लंदन में आ गए हो ना, ये वैसे जैसे मेरी यूनिवर्सिटी हर्टफोर्डशायर है वो आउटर लंदन है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हर बंदा मुझे यही पूछता है कि यार हम वहाँ पर आ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी। तो यार वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है, क्योंकि 50,000 की तो बात ही है, तो कितनी के वहाँ पे ना आप कहो के सीट्स होंगी। तो इसी वजह से मैं सेंट्रल के पास रह रहा हूँ, क्योंकि उस साइड पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बर्मिंगम। आपने सुन लिया ऐसे ही है जिस तरह आप लाहौर में हो और ये लगा लो आप फैसलाबाद हो, इस तरह देखा। तो अब आपके ऊपर है कि भाई आप कहाँ आना चाहते हो। तो अब बात करते हैं भाई ट्रांसपोर्ट की कि यहाँ पे ट्रैवल करना इजी है या हार्ड है। तो
तो पहले मैं लंदन का बताता चलूँ कि भाई लंदन में अगर बसेस का आपने पास बनवाना है तो कम से कम 23 पाउंड का अभी बन रहा है, बात का पता नहीं, तो मे भी जब आप आओ तो ज़्यादा हो जाए। आपको अहमद भाई ने तो 23 का कहा था पर वीक, मैं फिर बता दूं पर वीक 23 पाउंड का यहाँ पे पास बनता है। और मैंने बर्मिंघम आके 40 पाउंड का स्टूडेंट, हाँ 40 पाउंड का स्टूडेंट का आपका पास बन जाता है। आने से पहले मैं भी कुछ वीडियोस देखता था तो तब मुझे लगता था कि 40 पाउंड का ही बनता है, तो जब मैं लंदन आया तो भाई पता लगा कि मैं कोई गलत वीडियोस देख रहा था, मतलब वो थी वो वीडियोस यहाँ कहीं की थी, लंदन की नहीं थी। तो इसी वजह से मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 23 पाउंड का एक वीक का बनता है, उसमें आप जितनी मर्ज़ी वो लो भाई बसेस लो। अगर ट्रेन्स का बनाना है तो वो भी जोन जोन पर डिपेंड करता है, तो उसमें मेरे ख्याल में 30 या 35 पाउंड के अंदर आपका दोनों का इकट्ठा बन सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब बंटी से पूछते हैं कि भाई उसको यहाँ पे क्या फील होता है। यहाँ मैं तो एक बार ही एक मंथ का करवाता हूँ स्टूडेंट टिकट करवाता हूँ, ठीक है, वो 40 पाउंड का हो जाता है मेरा पर मंथ। मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, जॉब वगैरह पर भी जाता हूँ, तो मुझे डिफ़िकल्टी कोई नहीं होती। मतलब सस्ता है, ठीक है, 40 पाउंड में। हाँ ये, और हाँ ये मुझे भी फील हुआ है कि यहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा सस्ती है यार, 40 पाउंड पर मंथ। मैंने पहले दिन ही आते करवा लिया था कि वहाँ पर 2 महीने भी करवाओ तो 40 का नहीं होगा, तो यहाँ 1 मंथ का 40 का है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैं लंदन से आऊँ तो मुझे विलेज वाली थोड़ी सी फीलिंग आई है, क्योंकि ये एक ना नेचुरल एरिया है एक तरह से, सिर्फ मिडल जहाँ बर्मिंघम है ना वहाँ पर कुछ ज़्यादा इस तरह की रौनक शौनक है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे ख्याल में ये काफ़ी सस्ता है। तो अब ये भी आपके ऊपर है कि भाई आप कहाँ पे आना चाहोगे, और आपको इतना स्कॉटलैंड इससे भी क्वाइट है वहाँ पे क्या है वहाँ, तो इससे भी ज़्यादा क्वाइट है भाई। स्कॉटलैंड का अभी टूर करके आए हैं तो उसकी जानकारी किसी और वीडियो में डालूँगा। आप बात करते हैं यार यहाँ के वेदर की, तो अभी लंदन के अंदर तो मैं भाई मस्त गर्म किस्म का वेदर छोड़ के आया था, यानी सिंगल शर्ट वाला था, लेकिन रात में जर्सी पहननी पड़ती है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। और बर्मिंघम में मैंने ये फील किया है कि थोड़ा सा चेंज है, तो अभी जैसे बंटी ने भी जर्सी पहनी हुई है, मैंने अभी सिर्फ शर्ट पहनी है, तो बंटी से पूछते हैं वो तो यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे वेदर कैसा रहता है। यहाँ वेदर सुबह टाइम चेंज है, ठीक है, मतलब गर्मी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो आप। रात को सर्दी हो जाती है, 8-9 बजे के बाद सर्दी हो जाती है, उसके बाद 12-1 बजे और ज़्यादा सर्दी हो जाती है। यूके की कहावत है कि एक वर्क वूमेन और वेदर, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये मैंने आपको भी बताया हुआ सबको, बिल्कुल सही कहावत है। पहले मैं भी नहीं मानता था कि नहीं होता, पर ये इस तरह ही रियलिटी है, यही चलता है इधर। ये मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ कि भाई 3 चीज़ों का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, वर्क वुमन और वेदर, हर टाइम बदलता है। परसों इतनी गर्मी थी कि इस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान आ गया। 40 सेंटीग्रेड था मेरी पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो, इस तरह ही फील आ रहा था जिस तरह पाकिस्तान में लाइट ऑफ ही हुई है। और कुछ ही मतलब कल हुआ तो फिर मौसम, अभी उसने जैकेट पहनी और मैंने रात में तीन चीज़ें पहनी हुई थी, शर्ट ऊपर से जर्सी उसके ऊपर से जैकेट, इतनी ठंड थी। तो वेदर यहाँ का ठंडा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल है, बहुत हर तरफ आपको दरख्त मिलेंगे, तो इस लिहाज से लंदन के कंपेयर करें तो आप यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है। तो अब बात करते हैं भाई यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। लंदन की यूनिवर्सिटी का आप सबको बात पता है कि भाई वहाँ पे फीसिस कितनी है, 15,000, कोई 12-13,000, 19,000 वाली भी हैं। बर्मिंघम का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसका आइडिया लेते हैं बंटी से कि यहाँ पे फीसिस का क्या हिसाब है। एज कंपेयर किया जाए लंदन से तो इधर यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम हैं, मैक्सिमम होंगी 3 से 4 होंगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि फीसिस कम है इधर। सही, ठीक है। और तुम्हारी कितनी फीस है, क्या पढ़ रहे हो? मैं MS साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, ठीक है, मास्टर, 1 साल की डिग्री है और मेरा 2 साल का वर्क परमिट है, तो मेरी है 11,200 आफ्टर स्कॉलरशिप, ठीक है, और मतलब हाफ आपको दे के आनी पड़ती है और हाफ आपने इधर देनी होती है। पर ये है कि बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी है ना, ये टाइम टेकिंग है, स्पेशली BCU टाइम टेकिंग है,
ये काफ़ी टाइम ले जाती हैं प्रोसेस में. और कंपेयर किया जाए लंदन, लंदन की मतलब इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, वो इजीली प्रोसेस हो जाते हैं उनका, क्योंकि इन्होंने गिने चुने बच्चे रखने होते हैं, सीट्स कम होती हैं. तो इसलिए तुझे भी पता ही है, तूने भी BCU का अप्लाई किया था, तुझे उन्होंने कहा था कि 2023 में आपका एडमिशन होगा. मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे सबसे लेट रिस्पॉन्स BCU का एंड पे आया था, और उन्होंने कहा क्या कि अगर 2023 में इसको भाई प्रोसेस करना है तो फिर इसको कंटिन्यू करो, जनवरी टेक यानी अगले साल का जनवरी टेक. तो फिर मैंने हार्टफोर्ड शायद चूज कर ली. और अगर आपने मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है BCU की, तो मैं अहमद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, अगर BCU की आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो इसमें पर भी बना दूंगा. तो भाई लास्ट चीज़ पे बात करते हैं हम फूड के ऊपर. तो लंदन में बताऊं तो फूड यार इतना महंगा नहीं है, मेरे ख्याल में नॉर्मल है. यानी कि अगर आप कहीं से बाहर से चिकन कड़ी वगैरह खाएं तो 6 पाउंड 7 पाउंड की आपको बड़ी प्लेट मिल जाती है, छोटी मीडियम जो होती है वो 5 पाउंड की मिल जाती है बाहर. क्योंकि ज़्यादातर यार स्टूडेंट जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं, यूनिवर्सिटी जाना, जॉब पे रहना, तो ज़्यादातर यहाँ बाहर से खाते हैं. तो बर्मिंगम में यहाँ पे क्या यानी सस्ता है या महंगा है? तो दोनों जगह सेम है, ठीक है. वो तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप सारा जिस तरह घर में हम अपने पाकिस्तान में चीज़ें लेके आते थे पूरे मंथ की, वही बंदा ले आए, ठीक है, और घर बनाए, ठीक है, तो ही आपको कुछ बचता है, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं बचता. वाकई ये बहुत तो, बहुत अच्छी बात लगी है बंटी ने. और बंदा बाय फास्ट फूड खा के भी तंग आ जाता है, नहीं खा होता. मैं थक गया हूँ, मुझे चिकन का टेस्ट नहीं आता अब तो. इसलिए मैं तो ये हम तो घर ही बनाते हैं सारा कुछ, बेशक उल्टा सीधा बना लेते हैं. मैंने 6 महीने बाद आकर रोटी पराठा और आज पुलाव और कल टिक्कियां खाई हैं, यकीन मानो 6 महीने के बाद यहाँ आके. स्टार्ट में तो इस तरह ही था कि नमक ज़्यादा डाल देना कि मिर्चें ज़्यादा डाल देनी, पर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप परफेक्ट हो गए हैं, मतलब घर से भी ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेते हैं आप तो. कसम से बहुत मज़े का टेस्ट था आज ना. मैंने पुलाव की पूरी प्लेट खाई भर के, लेकिन दिल कर रहा था कि और खाऊं, लेकिन जगह नहीं थी, यकीन मानो इतना मज़ा आया. मैं तो ये चीज़ें कहूँगा कि एक आप गाड़ी लाजमी सीख के आओ, ठीक है, और एक आप कुकिंग सीख के आओ, ठीक है, ये चीज़ें मस्ट हैं दो अगर आपने सर्वाइव इधर करना है तो. ये चीज़ें मस्ट हैं. और एक अगर आपने अपना जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना बना के आना है तो वो वहाँ से बनवा के लो, इजी है, यहाँ आके खज्जल खुआरी काटनी नहीं पड़ेगी. गाड़ी लाजमी है मुझे, बर्मिंगम में गाड़ी लाजमी है, ठीक है. गाड़ी सीख के आओ, गाड़ी सीख के आओ. पर मैंने सीखी नहीं, मैंने कहा जाके कर लूंगा, पर इधर 25 पाउंड 1 घंटा है सीखने का. और बंदा जॉब पे जाता है, ठीक है, टाइम नहीं होता. और मैं अब घंटा घंटा दो दो घंटे बसों पर दलील हो रहा हूँ. मुझे अपने कजन की बात याद आती है कि मैं सीख लेता. मैंने भी नहीं सीखी ना, मैंने क्योंकि लंदन में ज़रूरत नहीं पड़ती. इसे भी मैंने बहुत कहा यार, बस लंदन में ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि वहाँ रखनी भी महंगी पड़ती है. पर बर्मिंगम में यार बड़ी बड़ी दूर है, बर्मिंगम में लाजमी है, तो गाड़ी सीख के आना. और इसके अलावा भी अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ गया तो नीचे बता देना, किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे. और BCU के बारे में यार कमेंट में ज़रूर बता देना, वो फिर हम देख लेंगे जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से वीडियो मैं बना दूंगा. पहली वीडियो थी, बहुत मुश्किल काम है स्क्रीन के आगे आना. तो ये थोड़ा सा कैमरा शायद ना भाई इसको एक्सपीरियंस है, तो कोई गलती खताई हुई तो भाई माफ़ कर देना. तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर देता हूँ. वीडियो अच्छी लगी हुई तो भाई कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब अब ठीक है यार. ये पता नहीं बहुत नोट करते हैं यार, सब्सक्राइब कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है क्या? ये कोई ना पूरी वीडियो देख लेते हैं एंड पे यही लिखते हैं कि भाई सब्सक्राइब. तो यार बस सुन के ना, खास तौर पे डकी भाई की वीडियो सुन के मेरे कानों में ना वही अब एक्सेंट आ गया, एक तो मेरी ज़ुबान पे भी आ गया, तो मेरे मुँह से भी वैसे ही निकलता. तो भाई जो भी है कर ज़रूर देना. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.